हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि और मैं आप सबके पास आती हूँ एवरी वेडनेसडे एट 4 PM, जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम पहुँच चुके हैं चांदनी चौक, क्योंकि हम सब मिलकर जा रहे हैं सदर बाज़ार। तो मैं चांदनी चौक के रास्ते से सदर बाज़ार जा रही हूँ और अब हम पहुँच चुके हैं फतेहपुर मस्जिद की तरफ, और यहाँ से हम लेंगे खारी बावली की तरफ टर्न। तो हम खारी बावली में पहुँच कर कुछ ऐसी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स की शॉप्स को मैंने डिस्कवर किया, जहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेड टाइप की चॉकलेट्स, बाहर से आई हुई विदेशी चॉकलेट्स मिल रही थी। तो मैंने काफ़ी सारी चॉकलेट्स बच्चों के लिए वहाँ से बाय भी करी और अपने केक्स के लिए भी मैं वहाँ से चीज़ें खरीद कर लाई। इसके बाद हम पहुँच चुके हैं अब सदर बाज़ार, और सदर बाज़ार में होम डेकोर से रिलेटेड मैंने कई सारी दुकानों को सर्च किया और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें और बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम्स मुझे वहाँ पर मिले। ये जो एलिफेंट है, ये मुझे बहुत पसंद आया और ये मैं वहाँ से ख़रीद कर भी लाई। और ये कुछ कोटेशन की शॉप थी, जहाँ पे मुझे बहुत सारी सुंदर सुंदर कोटेशंस नज़र आई, जो मैंने कई सारे इसमें से भी मैंने बाय करे। तो यहाँ सदर बाज़ार में हम सोचते हैं कि बहुत सारा सस्ता सामान मिल जाता है, बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी लोग जो हैं वो रिटेलर्स को पहचान लेते हैं, और जो मतलब सामान है वो काफ़ी अच्छे महंगे दामों पे ही हमको देते हैं। सो फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे हो चुका है। कल तो मैं इतना थक गई कि कल मैं कुछ करने के लायक नहीं थी। तो आज मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि कल मैंने क्या क्या खरीदा सदर बाजार से, वो कितने का आया, कैसे आया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं चांदनी चौक होते हुए गई थी, आप सभी ने देखा ही था वीडियो में आगे। तो हमने वहाँ दरीबा कला से ये कुछ इमिटेशन ज्वेलरी खरीदी है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई रियली लव दिस, कि देखिए कितना ब्यूटीफुल है इसका पेंडेंट, इसका काम बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसी के साथ साथ मैंने ये इयररिंग खरीदे हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है, ये देखिए। और इसका जो प्राइस है ये बहुत ही कम है, ये 100 रुपीज़ का ये पेंडेंट आया है और 50 रुपीज़ के ये इयररिंग आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और सस्ता डील मुझे मिल गया था। और इसी के साथ साथ ये मैं दो एंकलेट्स खरीद के लाई हूँ, जो कि बहुत सस्ते मुझे मिल गए। ये 100 रुपीज़ के दोनों ही एंकलेट आ गए, 50 रुपीज़ ईच था और मैंने ये दो लिए हैं, तो मेरे ये 100 रुपीज़ में दोनों आ गए थे। फिर आगे चलते चलते हम गए थे वहाँ पे खारी बावली। खारी बावली में मैं एक शॉप पे रुकी थी, जहाँ पे केक का सामान काफ़ी अच्छा मिलता था। मुझे ये अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगा, जब मैं केक बनाती हूँ या डोनट्स बनाती हूँ तो उसके ऊपर मैं ये डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही सस्ते दामों पे मुझे मिला। मैं यहाँ लोकल मार्केट से इसको अगर बाय करती हूँ तो ये बहुत महंगा आता है, 500 रुपीज़ का पर केजी के हिसाब से ये मिलता है, लेकिन ये खारी बावली में मुझे सिर्फ 200 केजी में मिल गया। तो ये बहुत अच्छी डील थी जो मुझे वहां पे मिल गई। इसके बाद हम लोग गए सदर बाजार की तरफ, वहां पे एक क्रॉकरी मार्केट है, वहां से मैंने ये अपनी बेटी के लिए यूनिकॉर्न बॉटल खरीदी है, जो कि स्टील की बॉटल है और सिपर है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बॉटल हमको मिली, और ये देखिए ये कितनी अच्छी क्वालिटी की बॉटल है और कितनी सुंदर बॉटल है। सुनो एक बार इसका, बोलो। ये यूनिकॉर्न बॉटल हमारी आई है 350 रुपए की, जो कि एक बहुत ज्यादा सस्ती तो नहीं लगी मुझे, लेकिन मेरी बेटी को पिंक कलर की यूनिकॉर्न बॉटल ही चाहिए थी, और ये मेरे बेटे के लिए स्पाइडरमैन बॉटल लेकर आए हम। तो ये बहुत अच्छी डील मुझे मिल गई, ये सिर्फ 200 रुपीज की स्पाइडरमैन बॉटल आई है। ये इसका इस तरीके से बॉटल खुल जाता है ये, और ये भी एक स्टील की बॉटल है। तो ये बहुत अच्छी डील थी। मैं अपने बच्चों के लिए स्टील, आप लोग जानते ही हो कि मैं पहले से भी स्टील ही रिकमेंड करती हूँ। ये दो बॉटल्स मैं और लेके आई हूँ, जो कि स्टील की है, और ये फ्रिज की बॉटल है, इंसुलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल स्टील की बॉटल है। बाकी वो जो यूनिकॉर्न और स्पाइडरमैन बॉटल थी वो इंसुलेटेड थी, ये जो है वो नॉर्मल बॉटल है। बट ये एक अच्छी डील है, मुझे ये वाली बॉटल 150 रुपीज में मिली है। तो ऐसी मैं दो बॉटल्स खरीद के लेके आई हूँ वहां से। इसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़े तो ये कुछ डब्बे हैं, ये मुझे थोड़ा अच्छे लगे, स्क्वायर डब्बे में अपने
जो किचन का मेरी पैंट्री यूनिट है, मैं उसमें चेंज करना चाहती थी। उसमें जो थे ये मुझे अच्छा लगा, प्लास्टिक भी सही है, क्वालिटी भी सही है, तो ये दो सेट मैं लेके आई हूँ। ये 140 रुपीज का एक सेट मुझको पड़ा है, तो ये सही है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर 1 किलोग्राम जो भी ग्रेन आप इसमें रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो ये 140 रुपीज 3 का मुझे पड़ा है। ये एक अच्छी डील मुझे मिल गई थी और मुझे अच्छा लगा काफी। इसके आगे जब मैं बढ़ी तो मुझे जो सामान था वो मैंने ये हैंगर बाय करे हैं। ये वार्डरोब के हैंगर्स हैं जो मैं खरीद के लेके आई हूँ, और ये हैंगर एक अच्छी क्वालिटी का हैंगर है, मेटल का हैंगर है और काफी अच्छा और स्ट्रांग हैंगर है। तो ये मुझे अच्छी डील लगी। इसमें ना ये भी कुछ लगा हुआ है जिससे जो है ना कपड़ा फिसलेगा नहीं, काफी अच्छी तरीके से इस पे होल्ड हो जाएगा, और ये काफी स्ट्रांग और अच्छा हैंगर मुझे लगा। तो ये 10 हैंगर मुझे 240 रुपीज के पड़े हैं। तो ये 240 के मैं दो वो लेके आई हूँ, एक ये था और एक ये है, तो दो पीस में लेके आई हूँ। ये काफी अच्छा मुझे लगा क्योंकि लोकल मार्केट में हैंगर का प्राइस इतना नहीं होता है, ये बहुत महंगे मिलते हैं लोकल मार्केट में, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी जहाँ पे। और ये सारा सामान जो है ना सदर की क्रॉकरी मार्केट है, इसको हम तौलिया बाजार या तौलिया गली के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये जो है मैं ये जो कपड़े सुखाने वाली जो पिंस होती है ना, ये वो भी मैं लेके आई वहां से। ये काफी अच्छी क्वालिटी के पिन है, या लोकल मार्केट में 50 रुपीज का ये पैकेट आता है जिसमें 10 पिंस होती हैं। ये जो है ना ये सिर्फ 25 रुपीज का एक पैकेट मुझे पड़ा है, और ये काफी अच्छे सही रेट्स में मुझे मिला। तो सदर बाजार में ये वाली डील तो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे पसंद आई। इसके बाद मैं ये कुछ फ्लावर्स लेके आई हूँ। ये फ्लावर्स जो है वो घर में भी किसी किसी जगह पे जो मैं DIY करती रहती हूँ उसमें भी लगाने में भी काम आते हैं। मुझे केक डेकोरेशन में भी इन फ्लावर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये फ्लावर्स की डील मुझे अच्छी लगी। ये जो फ्लावर्स हैं इसमें करीब 20 फ्लावर्स हैं इसमें ऐसे, और ये करीब 140 रुपीज के आए हैं। हाँ, 140 रुपीज के ये मुझे मिले हैं और ये एक अच्छी डील मुझे लगी। इसके बाद मैं यहाँ पे ये न्यासा की जो बास्केट्स हैं वो खरीद के लाई हूँ। ये बास्केट्स काफी अच्छी हैं। ये फ्रिज की बास्केट है, इसमें ये हैंडल्स होता है, इसमें आप अपना कोई भी वेजिटेबल रख लो, इसको इस तरीके से फ्रिज में प्लेस कर दो और हैंडल से ही आप इसको पुल आउट कर लो। तो ये बहुत ही अच्छी बास्केट है, मैं काफी टाइम से इसको सर्च कर रही थी, और ये ऑनलाइन भी काफी आराम से मिल जाती हैं, लेकिन सदर बाजार से मैं न्यासा की लेके आई हूँ। और ये 90 रुपीज ईच मुझे एक बास्केट का पड़ा है। तो आई बॉट 2 बास्केट्स फ्रॉम सदर बाजार, एंड इट्स क्वालिटी में तो कोई डाउट है ही नहीं क्योंकि न्यासा की है ये, और न्यासा के जो प्लास्टिक होती है वो काफी अच्छी होती है, बढ़िया रहता है, तो क्वालिटी का तो कोई है ही नहीं कोई डाउट। और ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, पिंक कलर है, अच्छा कलर है। एक्चुअली जो मैं सदर बाजार गई थी वो भी अपना होम डेकोर और ऑर्गेनाइजर रिलेटेड सामान लेने गई थी, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो बेसिकली इसी चीजों पे है। ये एक लालटेन मैं वहां से लेके आई जो कि मेटल की लालटेन है, यहाँ पे ग्लासेस लगे हुए हैं, और ये बहुत ही सुंदर लालटेन है, काफी सारे साइजेस में हमको ये मिल रही थी वहां पे। इसके अंदर जो है ना वो हम एक कैंडल रख सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगती है। ये मैंने ये वाला साइज इसलिए लिया क्योंकि ये मेरे पार्टीशन में जहां मुझे ये लगाना था ये साइज उसके लिए परफेक्ट था, और ये जो लालटेन है वो 650 की मुझे वहां पर मिल गई। बाकी ऑनलाइन अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ी सी महंगी आती है, पर बहुत ज्यादा रेट में फर्क नहीं था, बट इट्स क्वाइट ओके, तो आई एम ओके विद दिस। सो इसके बाद ये हम कुछ कोटेशंस लेके आए हैं। ये मैं अपने एंट्री फेस पे रखने के लिए कुछ एक ब्यूटीफुल सी कोटेशंस हैं जो मैं वहां से लेकर आई हूँ। इस पे बहुत ही सुंदर लिखा है, वेलकम टू आर हैप्पी क्रेजी फन लाउड होम। ये जो है ये वुड का बना हुआ है, MDF बोर्ड का बना हुआ है, और ये मैं अपने एंट्री गेट पे जो है अपने फायर एरिया में वहां लगाना चाहूंगी। तो ये एक अच्छी डील मुझे वहां पे मिली, और ये सिर्फ 160 रुपीज का मुझे सदर बाजार से मिला है। ये बहुत ही अच्छी डील मुझे वहां से मिली, और इसी शॉप से ये भी मैं
लेके आई हूँ, ये कुछ जो फोटो फ्रेम है जो मुझे वहां पर मिल गए, ये भी कुछ इसी टाइप के फोटो फ्रेम है। इसको भी काफी अच्छा डील मुझे मिला, ये भी सिर्फ 160 रुपीस का मुझे वहां से मिला है, और ये देखिए काफी अच्छे से पैक करा हुआ है, और ये भी MDF बोर्ड का ही बना हुआ है, और 3 फोटो फ्रेम जो है वो इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए ये 3 फोटो फ्रेम है जो इसमें लगे हुए हैं, और इसको कुछ हम इस तरीके से यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी डील मुझे वहां से मिली है, ये भी 160 रुपीस का आया है सिर्फ, और आई रियली लाइक दिस। और ये छोटी छोटी चीजें हमारे घर को बहुत खूबसूरत बनाती हैं, बहुत ही अच्छा हमारा घर लगता है। इसके बाद हम लोग आजाद मार्केट की तरफ चले गए जहाँ पे सारी क्रॉकरीज मिलती हैं। वहां पे मैं बहुत ही सुंदर ये कुछ कप्स वगैरह बाय करके ले आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर कप हैं जो इसमें लिखा हुआ है कॉफी, और ये बहुत ही सुंदर हैं, और ये बहुत ही सस्ते दामों पे मुझे मिले। ये कप्स का कुछ ऐसा था कि ये बड़े कप्स हैं और ये करीब 200 रुपीज के 6 कप मुझे मिल गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी डील मुझे वहां से मिल गई। और ये देखिए ये कप देखिए, ये भी बहुत अच्छा मुझे कप मिल लगे। ये पिंक कलर के छोटे चाय के कप हैं जो कि बहुत ही सुंदर कप हैं, ये भी बहुत सस्ते हैं और बहुत अच्छे दामों पे मुझे वहां पे इसके जो प्राइस है बहुत ही सस्ते थे, ये शायद 80 या 90 रुपीस के 6 कप्स मुझको मिले हैं। तो ये जो आजाद मार्केट है वहां पे साइड्स पे कुछ पटरी मार्केट सी लग जाती है, वहां पे काफी सारी क्रॉकरी आपको काफी अच्छे रेट्स पे मिल जाती है। तो जब हम लोग सदर बाजार से निकल रहे थे तो थोड़ा सा आजाद मार्केट की तरफ भी चले गए थे, और ये देखिए ये जो है ना ये बिग कप्स भी मैं अपने घर के लिए लेके आई हूँ, और ये कप भी काफी अच्छे रेट्स पे मुझे मिले। ये 50 रुपए का एक कप मुझे मिला है, 50 रुपीज का एक कप, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कप है, इतना सुंदर कप है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जब वहां गई थी तो मैं क्यों इन सबको छोड़ देती, तो आई वॉन्ट टू ग्रैब ऑल दी थिंग्स। सो मैंने ये वाले जो कप हैं ये भी करीब 6 बाय करें, तो ये 300 रुपीज के मुझे 6 कप्स मिले हैं। तो ये वाले भी 6 हो गए, मेरे चाय वाले भी 6 हो गए, काफी सारे कप्स मैंने वहां से बाय करे। ये देखिए ये 6 का सेट मुझे वहां से सिर्फ 300 रुपीज का मिला है। और इसके बाद एक और मैंने ये वाले कप भी वहां से बाय करे हैं। ये देखिए ये भी मेरा जो है ये 80 या 90 रुपीज में पूरे 6 कप का सेट आया है, 80 या 90 रुपीज का पूरा 6 कप का सेट आया है। ये भी बहुत सस्ते और अच्छे कप्स मुझे वहां से मिले, इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, घर में डेली यूज में यूज करने में कोई बुराई नहीं है, और मुझे काफी अच्छी डील वहां से मिल गई। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का हॉल, आपको कैसा लगा मेरा सदर बाजार हॉल? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी शॉप का पर्टिकुलर जगह एड्रेस आपको पूछना है, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली टेल यू कि ये जो प्लेस है वो डेफिनेटली एक्चुअली है कहाँ पर। तो अगर प्लीज 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 आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय